हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम सुबह सुबह निकले हैं दिव्यगढ़ के लिए। दिव्यगढ़ जो है बीच है, आप प्लेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लोग जो है हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन और दिव्यगढ़ का एक साथ ट्रिप बनाते हैं। ये मुंबई से और पुणे से मिड में पड़ता है। इसका जो प्रॉपर रास्ता है मैं आगे आपको बताती हूँ। अगर आप पुणे से जा रहे हैं तो 163 किलोमीटर, लगभग 4 घंटे का रास्ता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, पहाड़ी इलाका है, क्योंकि ये कोकन एरिया पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ही आता है, मतलब रास्ता थोड़ा स्पीड स्लो रखना पड़ता है, तो इसलिए 4 घंटे लगते हैं। और मुंबई से आपको 176 किलोमीटर पड़ता है। ये मुल्शी से होता हुआ निकलता है और मुल्शी का रास्ता आप सब लोगों को मालूम है, काफ़ी खूबसूरत है। वैसे बारिश में ये बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। पुणे की तो खास बात यही है कि बारिशों में ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीन रहता है, रास्ते बहुत ब्यूटीफुल हैं। आपको अलग अलग पहाड़ देखने को मिलते हैं, अलग अलग बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब आपको ये मिलता है रास्ता। लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद हमने ब्रेकफास्ट के लिए रोकी। अगर आप मुल्शी के आसपास जा रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे ब्रेकफास्ट एरियाज़ मिलते हैं। आई नो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा डिलीशियस नहीं होता है, पर अच्छा खासा खाना आपको मिल जाता है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे रेस्टोरेंट्स कम होते जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके तो मुल्शी डैम के आसपास ही आप अगर ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, अगर आप सुबह सुबह निकल रहे हैं तो। हम वैसे तो लोग 2 दिन और 2 रातों के लिए जाते हैं, हम लोग 2 डेज़ 1 नाइट के लिए रुके थे, तो आज का दिन काउंट करके हम वहाँ पे रुके थे। ये एक ढाबा था मुल्शी डैम के आसपास, तो वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया। हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके से व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि बच्चा साथ में होता है तो आप नहीं कर सकते। हमने पोहा मंगाया था और साथ में उत्पम मंगाया था, क्योंकि उत्पम ईवा भी खा लेते हैं, बहुत स्पाइसी नहीं था तो ईवा को भी खिलाया था, और साथ में आप अंडा वगैरह भी, बॉइल्ड एग्स और ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन पे लगाकर हम फिर आगे निकल गए। आगे निकलते हुए रास्ते में थोड़ा इन्जॉयमेंट किया, साथ साथ बातें की, म्यूज़िक सुना, और उसके बाद हम आगे चले। ये ईवा का पहला ट्रिप था। किशा को तो आपने बहुत बार मेरे व्लॉग्स में देखा है, किशा और ईवा का ये एक साथ पहला, मतलब ऐसे लॉन्ग ट्रिप था। छोटे ट्रिप्स हमने बहुत किए हैं, शॉर्ट वीडियोस में मैंने आपके साथ काफ़ी कुछ शेयर किया है, तो इन दोनों की मस्ती चलती हुई, प्यार बहुत है दोनों में, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी मज़े करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अभी वो फ़िलहाल सो के उठी है तो थोड़ा क्रैंकी नज़र आ रही है, उसको मम्मा या पापा में से कोई चाहिए। किशा फुल एनर्जेटिक है क्योंकि ये सुबह 7 बजे से सो, ईवा तो सोती हुई आई थी, अभी 9 बज रहे हैं ब्रेकफास्ट के बाद, थोड़ा सा है अभी, यहाँ पे धूप आ रही थी तो ईवा आगे चली गई। किशा मुझे स्टोरी सुना रही है, उसका बर्थडे था तो ये स्टोरी बुक्स मैंने उसे दी थी काफ़ी सारी, वो अपने साथ लेकर आई है क्योंकि उसे रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और वो बोलती चाची आप मेरे से स्टोरी सुनोगे, मैंने कहा चलो सुनाओ। अभी ईवा गई है तो मैं थोड़ा रिलैक्स थी और मुझे इसको भी टाइम देना था, क्योंकि बच्चों को ये लगता है ना कि चाची पहले तो मुझे बहुत टाइम देती थी, अभी ईवा के बाद नहीं देती है। तो अभी थोड़ा बहुत मैंने उसके साथ खेलना शुरू किया, उसका हेयर स्टाइल बनाया, ये मैंने स्पेशली इसके लिए वाटरफॉल हेयर स्टाइल किया था। थोड़ा रास्ता ये वाला हरिहरेश्वर के अंदर से जाता हुआ निकला, ये थोड़ा गांव वाला एरिया है, तो यहाँ पर सारा का सारा एरिया जो है थोड़ा बहुत मॉमनन एरिया है और काफ़ी अच्छा और खूबसूरत एरिया है, काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी सारे लोग एक स्टे जो है दिव्यगढ़ करते हैं, एक स्टे जो है वो हरिहरेश्वर में करते हैं, क्योंकि हरिहरेश्वर बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पे मंदिर वगैरह है। ज़्यादातर ये जो एरियाज़ हैं टेंपल्स के लिए, हमने जो रिजॉर्ट बुक कराया था वैसे तो हम एक्जोटिका करवा रहे थे, लेकिन वो इंस्टेंट प्लान बनने की वजह से हमें नहीं मिल पाया। तो ये कोकोनट करके है, यहाँ पे कोको हट भी है लेकिन ये कोकोनट रिजॉर्ट है, अभी थोड़ा टाइम पहले ही ओपन हुआ है। एंड सच में मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, बच्चों के साथ एम्बियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बहुत बड़ा रिजॉर्ट नहीं है लेकिन काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी मेंटेन्ड है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आप इंजॉय करेंगे। अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इतना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्ले एरिया भी है। तो यहाँ पे ये वॉशरूम बिल्कुल एंटर करते हैं, और ये जो पैसेज एरिया ये काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे अगर आप बीच से हो गया हो तो ये शावर एरिया भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
ये सारा शहर एरिया है, ये पूरा ग्रीन पार्क है। और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि एंटर करते ही यहाँ पर हमें वेलकम ड्रिंक दी गई। इसका भी आई नो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वैसे यहाँ पर स्टेज भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपका बजट कम है तो 1000-1200 रुपये में आपको होम स्टे मिल जाता है, बिल्कुल होम फूड की तरह। लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ मुझे थोड़ा सा मेंटेनेंस चाहिए था, क्लीनिंग हाइजीन का करना चाहिए था रूम के साथ। ये फ्लोर वाले रूम हैं, सामने आपको एरिया प्ले एरिया मिल जाता है, हमने दो रूम आमने सामने लिए थे। आपको एक प्राइवेट एरिया, प्राइवेट जो आपको पार्क मिलता है वो भी रूम के साथ पर दिया जाता है, जो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाली हूँ, जो कि आप देख ही रहे हैं। ये प्राइवेट एरिया बालकनी के सामने आपको व्यू, आप कहीं पे भी चेयर लगाकर आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली ऐसे धूम धड़ाका नहीं, क्योंकि फैमिलीज आती है यहाँ पे, तो ये चीज़ मुझे रूम काफ़ी अच्छा लगा। ये रूम है, आप देख सकते हैं वॉल पूरा डेकोरेटेड है। ये हैंड वॉश एरिया बाहर की तरफ है, एक साइड वॉशरूम है और एक साइड आपको टॉयलेट मिल जाता है, जो कि बहुत टाइम सेविंग है, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर एक वॉशरूम में चला जाए तो दूसरा ब्लॉक हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी क्लीन, काफ़ी हाइजीन मेंटेन किया हुआ है। गीज़र लगा हुआ है, टॉवल्स आपको दिए हुए हैं, और आप बहुत ही मैनेजर इज़ टू गुड, मतलब आप जस्ट बोलो आपको खाने के लिए चाहिए स्पेसिफिक खाना वो भी बना कर देते हैं। बच्चे के लिए भी आपको स्पेशल फूड पैक करके भी देते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है, जैसे मेरे उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट में उत्पम था तो उन्होंने बच्चे के लिए अलग से रखा, मैंने एक सॉफ्ट रोटी या परांठा बनवाया था तो वो उन्होंने स्पेशली बना कर दिया, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे बॉटल्स वगैरह वॉश करनी है तो उन्होंने गर्म पानी से उसे वॉश करके मुझे दिया। बॉटल्स मैं लेकर आई थी क्योंकि मेरा बच्चा बॉटल फीड पे है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। आपको पानी की रिक्वायरमेंट, आपको किसी भी चीज़ की है, क्लीन अगर आपको रूम चाहिए, जस्ट आप उन्हें बोलिए और वो इमिजिएटली वो करके देते हैं। ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक सा लुक आता है। हमने काफ़ी इन्जॉय किया। ये वाला बालकनी एरिया है, आपको ड्राई करने के लिए क्लॉथ, ड्राई करने के लिए स्टैंड दिया जाता है, जो कि नॉर्मली बड़े बड़े होटल्स में गोवा में भी नहीं मिलता, और यहाँ पे उन्होंने दिया। 4000 रुपये का कमरा है एंड टोटली वर्थ इट। यहाँ पे फोटोज़ वगैरह करने के लिए भी आपको काफ़ी कुछ है। ये एरिया स्पेसिफिकली काफ़ी ग्रीन है और काफ़ी अच्छा है, डे टाइम में भी आप वहाँ पर चेयर्स वगैरह लगा कर बैठ सकते हैं। ये झूला था और यहाँ पर फैमिली आप सब बैठ के अपना झूला वूला ले सकते हैं, तो हमने तो बड़ा मज़ा किया। नॉर्मली ये हर रिजॉर्ट में होता है, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया, थोड़ी वीडियोज़ बनाई, थोड़ा किया, बहुत मस्ती की हम लोगों ने, और काफ़ी अच्छा था, मतलब एक बहुत अच्छा था। अभी जस्ट हम 12-12:30 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचे थे, तो जस्ट अभी फ्रेशन अप होकर कपड़े चेंज करके हम लोग जो है अभी ये कीशा रिकॉर्डिंग कर रही है बाय द वे, तो इसीलिए सब थोड़ा सा ऐसे करें, अगर मैं कर रही होती हूँ तो काफ़ी कॉन्शियस हो जाती है, तो कीशा कर रही है तो इस वजह से सब बहुत आराम से चिल आउट होकर वीडियोज़ बनवा रहे हैं। तो अभी अभी हम जो है फ्रेशन अप होने के बाद निकलेंगे लंच करके, उसके बाद हम आगे जाएंगे। आज का प्लान जो है वो है हिडन आइलैंड, जो कि आरवी बीच पे है। आरवी बीच के साथ एक और बीच है, वहाँ पर है, और जैसे ही आप हिडन आइलैंड डालोगे तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। अरावी बीच है बाय द वे, आरवी बीच नहीं है, अरावी बीच है, काफ़ी अच्छा बीच है जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी रिलैक्स है, काफ़ी चिल आउट प्लेस है। अगर आप 2 दिन के लिए आए तो आप आराम से रेस्ट कर सकते हो रिजॉर्ट में, थोड़ा अपना रिलैक्स करिए, रूम में बैठिए, एसी वेसी लगा हुआ है। थोड़ी गर्मी थी यहाँ पर वेदर वाइज, पर ठीक लग रहा था, और बच्चों के साथ आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे, मतलब बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ से जाने के बाद। यहाँ पर ज़्यादातर टेम्पल्स हैं और बीचेस ही हैं, तो अभी लंच करने के बाद, मैं लंच वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी बच्चे के साथ ही ऑब्वियसली, क्योंकि उसको भूख लगी थी, तो उसको खाने वाने का भी मुझे देखना होता है। तो अभी हम लिखे अरावी बीच के लिए। अरावी बीच यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर है, और जैसे ही आप जाओगे आपको यहाँ पे पूरा का पूरा गांव का एरिया मिलेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है खाने का, इन द सेंस यहाँ पे आपको प्रॉपर रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे,
घर के अंदर ही थोड़ा सा वो जो होता है ना इनका लोकल फूड वो आपको ज़्यादा मिलेगा। सी फूड यहाँ पर ज़्यादा है, वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस हैं लेकिन लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो इट्स बेटर कि जहाँ आप रुक रहे हैं वहीं पे कहिए, अगर ज़्यादा ढूंढेंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि आपको एस्थेटिक फूड ही मिलेगा जो इनका लोकल फूड है। आपको जो है प्रॉपर रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल खाना नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको आपके रिजॉर्ट में थोड़ा बहुत मिल सकता है लेकिन आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। ये अरावी बीच है, ये रास्ते में काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। अब जैसे ही रुकेंगे यहाँ पर कार वार सब फोटोशूट्स के लिए रुके होंगे, बहुत ही सुंदर है। जितना कैमरा पे ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, जितना आंखों को ये रिलैक्स करता है, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंजॉय किया। धूप थी नो डाउट, जब स्लाइड पे चलती है तब भी ऐसे ही चला कर धीरे धीरे संभल संभल के। फैमिलीज के साथ होते हैं तो आपको काफी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ एक फोटोज क्लिक कराई और थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होके हमने नज़ारा लिया, इंजॉय किया इस नज़ारे को। थोड़ा सा बहुत टाइम बाद समुंदर की आवाज सुन के काफी रिलैक्सिंग फील होता है। नहीं, लेके जाते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं वहाँ पे अगर आपको लगा ना कि इस बोट पे ले जाने का, ठीक है भैया, यूट्यूब पे वीडियो डालूंगी, बहुत आएंगे। नहीं लेना, डालूंगी वीडियो, आ जाएंगे आपको। हाँ नहीं आना, यहाँ पे आप हिडन आइलैंड एंजॉय कर सकते हो जिसका एक पर पर्सन 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं, लेकिन 400 रुपीज़ नेगोशिएट करके आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हैं काफ़ी सारे, बाइक राइड है और बहुत कुछ है यहाँ पर अगर आप इंजॉय करना चाहो तो। जिस हिडन आइलैंड पे हम जाना चाह रहे हैं वो जो है हाई टाइड से पहले यानी दोपहर के टाइम में आप जा सकते हैं। अगर हाई टाइड हो जाएगा तो आप वहाँ नहीं जा पाओगे क्योंकि लहरें काफ़ी तेज़ होती है। यहाँ पर ये ब्लैक कलर की आपको बोट दिख रही है जो रेडी हो रही है। तो यहाँ पर वैसे तो फैमिली के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको 500 पर पर्सन चार्ज करते हैं, लेकिन जब तक बोट फुल नहीं होती तब तक ये चलते नहीं है। तो हम 5 लोग थे, वैसे बच्चों के लिए 1 साल से कम के लिए थोड़ा रिस्की है, लेकिन उन्होंने बोला कि सेफ है तो ईवा को हम लेके चले गए थे। हम लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी लेकिन बेबी को लाइफ जैकेट इन्होंने नहीं पहनाई थी, लेकिन वो सेफ नहीं है क्योंकि हमारी बेटी सो रही थी। काफ़ी रिस्की है, काफ़ी एडवेंचरस है। आई नो कमेंट्स में लोग काफ़ी सारे बोलने वाले हैं, पर स्टिल हमने ये एडवेंचर किया क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि ये काफ़ी सेफ है, इसीलिए तो हम बेबी को लेके गए थे। तो यहाँ पर लाइफ जैकेट पहन रहे हैं हम और उसके बाद हम गए हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं था इसीलिए उन्होंने बेबी को अलाउ कर दिया था, हार्डली 1 से 2 किलोमीटर ही था बोट के ऊपर, और ज़्यादा स्टंट नहीं किए। नॉर्मली बड़े लोगों के साथ ये स्टंट वंट करते हैं, थोड़ा बोट को वेव्स के ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन हमें काफ़ी सीधा लेकर आई ये। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया इसमें। और ईवा ने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, वो जाते ही उठ गई थी थोड़ी दूर पे और बिल्कुल हिली डुली नहीं, वो बहुत अच्छी रही बात। तो यहाँ पर लाइफ जैकेट, मुझे ये करना था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसे करने का। हमने जब दिव्यगढ़ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हैं वो देखा, तो ज़्यादातर टेम्पल जा रहे थे या बीचेस आ रहे थे, कुछ इस तरीके का वाटर स्पॉट या हिडन आइलैंड के बारे में कहीं पर बात नहीं की थी। सिर्फ एक वीडियो में उन्होंने बताया था कि आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं टूरिस्ट प्लेस से, तो वो मैंने किया। और मैंने जब अपनी फ्रेंड को बताया ये चीज़ तो उनको भी काफ़ी एक्साइटिंग लगा, तो हमने कहा कि चलो चलते हैं। ये बहुत बड़ा आइलैंड तो नहीं है पर ये एक प्राइवेट आइलैंड टाइप है और काफ़ी छोटू सा आइलैंड है, लेकिन काफ़ी मज़ा आता है। अभी आपको दिखाती हूँ मैं कि कितना मज़ा किया हमने। ये फुटप्रिंट है, देखिए शायद इस बोट पे जाएंगे। तूने वो तो पहना हुआ है पैराशूट, कहाँ होएगा, दिख रहा है तेरे को पैराशूट, कहाँ दिख रहा है तेरे को, वो पैराशूट है, बोट है, इट्स अ बोट। ये जो वेव्स है ना, इससे अंदर ब्रूस में बच्चे
यार कितना क्लीन है। रात के 2 बजे तक ही दीवारों तक चला जाता है पानी। हाँ इतना हाई टाइट रहता है। भैया से कहकर हमने वीडियो बनवाई थी, आप देख सकते हैं उठ गई है। और खास बात यह है कि ये बिल्कुल भी बहुत बिल्कुल आराम से बैठ कर गई, नहीं तो ये बहुत एक्टिव बच्चा है। और मैं आई जस्ट से दैट लाउडली कि मेरी बेटी बहुत ही एडवेंचरस है और इसे बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। ये इसका फर्स्ट टाइम था और पीछे भैया इसका प्रॉपर ध्यान रख रहे थे। जो दो गार्ड्स जाते हैं साथ में, एक जो बोट चलाता है और एक जो आपका ध्यान रखता है कि आप डूब ना जाएं। तो वहाँ जाने के बाद आपको बीच पे छोड़ दिया जाता है जो आइलैंड है, और उसके बाद वो चले जाते हैं डरपोक कहीं की। जंप कर, मैं हूँ पीछे, चल। अरे चल ना, वो और जंप कर, है नहीं यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, कहीं पे भी पैर रख। आराम से किशा, नहीं वो बोल रहा था आराम से, आराम से। चल ना, बन गई थी। ओए मम्मा, मधुमक्खी भी है पानी के बीच में, चल कहाँ। रहने दो यार, वापिस चल दे, फोटो करा लो यहीं पे। कहाँ पे है रिचा, मेरे को नहीं दिख रहा। उस पानी के बीच में था, अब नहीं दिखेगा, वो घुस गया पानी के अंदर। चलो फटाफट फोटोज कराओ, प्रकट हो रहा है। बोला हाथ, वो वहां से कह रहा हाथ कर देना। ये आए आपके दांत। तुम बस आगे खड़े हो और पीछे तुमने कुछ और लगा। ये देखिए पीछे लहर आती है। आप यहाँ 6 घंटे तक खड़े रहो, एकदम हाई टाइड आएगी। ये देखो टाइड आ रहा है और मैं स्विमिंग करता हुआ जा रहा हूँ। किशा पापा को बचा, जा। तू किधर आई है वैसे, तेरे को क्या लग रहा है ये क्या है? वो अपनी उंगलियां गिन रही है। चार बेड के, 4x4 के बेड से इधर आ गए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस? पानी भी ना। आइलैंड बहुत ही साइलेंट और बहुत ही खूबसूरत है। ये जो आप वाइट देख रहे हैं, कोई ब्यूटी नहीं है। बेसिकली ये जो क्राब्स होते हैं उनके एग्स हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा वाटर साइड के ऊपर रहते हैं क्योंकि रात के टाइम ये आइलैंड पूरा छिप जाता है। और सबसे ज्यादा इंजॉय तो यही कर रही है, पूरा इंजॉयमेंट हो रहा है। अरे यहाँ चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लो आओ रिचा, आराम से खड़ी रहा बस। वो देख सामने, सन जो है बोट लेकर चले जाते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अरावी बीच है और वो दूसरा आइलैंड है। हम आए थे यहाँ पे, अरावी बीच से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन अब आप इतने पैसे भरोगे तो इतना कम नहीं होगा। तो बोट के डिस्टेंस उन्होंने इतना मेंटेन किया है। उसके बाद हमने गया ये बाइक राइड, काफ़ी मज़ा आया। इसमें भी 500 लिया उन्होंने पर चार्ज, 3 लोग बैठ सकते हैं इसमें। मैं पर इस पे रख दो ऊपर। हाँ गुड,
बहुत ज़्यादा दूर के लिए नहीं देते हैं, काफ़ी नज़दीक डिस्टेंस होता है लेकिन इतना ही सफिशिएंट होता है, पर 500 थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद हमने बीच पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बेबी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराई, इवन बहुत इंजॉय किया। फर्स्ट टाइम वो रेत में गई थी और उसे काफ़ी अच्छा लगा, हमने इसके मार्क्स लिए और पता नहीं बहुत ही मज़ा आया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कितने क्यूट लग रहे हैं उसके छोटे छोटे से पैर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ आपको। कुछ वक्त पापा के साथ इंजॉय करते हुए ये अरावी बीच ही है, उसके बाद हम सनसेट के लिए गए थे दिव्यगढ़ बीच, जहाँ का सनसेट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उसके बाद हम घर आ गए थे। ये है दिव्यगढ़ बीच का व्यू। ये था आज का व्लॉग, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। पार्ट टू के लिए स्टे ट्यून्ड रहे। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.